हेलो स्टूडेंट, आई एम तृप्ति आहिर, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, मॉडर्न कॉलेज, एंड हेयर टू डिस्कस विथ यू इंडियन नॉलेज सिस्टम रिगार्डिंग एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी। सो हेयर वी विल डिस्कस दिस ऑल पॉइंट रिलेटेड टू द इंडियन एस्ट्रोनॉमी। सो फर्स्ट वी डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एस्ट्रोनॉमी, दैट इज द इंट्रोडक्शन। सम ऑफ द अर्लिएस्ट फॉर्म ऑफ एस्ट्रोनॉमी कैन बी डेटेड टू द पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड सम कॉस्मोलॉजिकल कंसेप्ट आर प्रेजेंट इन द वेदास, एंड ऑल्सो नोटेशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द हेविली बॉडीज एंड कोर्स ऑफ द ईयर। द ऋग्वेदास इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पीसेस ऑफ द इंडियन लिटरेचर। सो नाउ वी डिस्कस दैट इज अ कन्फ्लुएंस ऑफ द रिलीजन एंड साइंस। इट्स रेफर्स टू द इंटरसेक्शंस वेयर रिलीजियन बिलीफ्स एंड साइंटिफिक इंक्वायरी इन्फ्लुएंस इच अदर। हिस्टोरिकली मेनी साइंटिफिक परस्यूट्स वेयर ड्रिवन बाय द रिलीजियस मोटिवेशंस, एंड ऑल्सो सच एज अंडरस्टैंडिंग द कॉस्मोस टू द ड्रिवन ऑर्डर। इन सम कल्चर रिलीजियंस इंस्टीट्यूशन सपोर्ट साइंटिफिक रिसर्च, एंड वाइल द अदर्स रिलीजियन इनिशियली रेजिस्ट साइंटिफिक डिस्कवरीज दैट चैलेंजेस ट्रेडिशनल व्यू, एंड टूडे द रिलेशनशिप इज कॉम्प्लेक्स। वाइल ऑन गोइंग डायलॉग अबाउट द हाउ साइंटिफिक्स फाइंडिंग अलाइन विथ और डिफरेंट फ्रॉम रिलीजियंस टेक्निक्स, एंड ऑल्सो हाउ बोथ कैन को एग्जिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस। नाउ अनादर वन दैट इज अ रोल इन कैलेंडर क्रिएशन एंड टाइम कीपिंग। इन दिस पार्ट द इंडियन एस्ट्रोनॉमी प्ले अ क्रूसियल रोल इन द क्रिएशन ऑफ कैलेंडर एंड टाइम कीपिंग। द नीड टू टाइम रिलीजियस रिचुअल एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ एक्यूरेट लूनर एंड सोलर कैलेंडर। लाइक द टेक्स्ट लाइक द सूर्य सिद्धांत प्रोवाइड मैथमेटिकल मेथड टू कैलकुलेट प्लैनेटरी मोशन एंड एज वेल एज इक्लिप्स, विच वेयर इसेंशियल फॉर द डिटर्मिनिंग डेट्स एंड ऑल्सो टाइम। द हिंदू कैलेंडर विच कंबाइन द लूनर मंथ विद द सोलर ईयर्स एंड इज अ डिरेक्ट आउटकम ऑफ दिस एस्ट्रोनॉमिकल एडवांसमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रिसाइज टाइम कीपिंग इन द कल्चर एंड रिलीजियस लाइफ। नाउ अनदर वन दैट इज ओवरव्यू ऑफ द की एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स एंड कंसेप्ट इन द इंडियन एस्ट्रोनॉमी इंक्लूड्स लाइक नक्षत्र, स्थितिज, योगाज, राशि एंड सिद्धांत। सो नक्षत्र इज बेस्ड ऑन द लूनर एंड स्टार कॉन्स्टेलेशंस that divide the sky into 27 segment and each associated with the specific qualities and deities. Now tithis also is based on the lunar day, one of the 30 division of the lunar month, and importance for the determining ritual timing. Like another one also rashi, siddhant, panchaganga. So now this concept for the basis of Indian astronomy and is guidance with both scientific and religious practices. Now another one topic we discuss, that is our astronomical concept, sum, that is a celestial sphere and celestial coordinate. So celestial sphere is an imaginary sphere that surrounds the earth, onto which all celestial body like star and planet are also projected. It helps astronomer visualize the position and movement of this object as if they were at a fixed distance from the earth. And also celestial coordinate are the system used to locate object on the celestial sphere, similar to how latitude and longitudinal are used on the earth. The main coordinate system include, that is, declinations and right ascension. So in right ascensions we can call RA. So this, similar to longitudinal, it measure an object position eastward along the celestial equator and express in hour, minute, also second. So declination we can call deck. So similar to latitude, is measure an object position north or south of the celestial equator, expressed in the degree. This coordinate allow the astronomer to accurate pinpoint the location of the star, planet, and the other celestial body in the sky. So another one, that is a solar and lunar eclipse. So solar eclipse occurs when the moon passes between the earth and sun and blocking the sun light partially or fully. This can only happen during the new moon. So now lunar eclipse also
दैट इट हैपन्स व्हेन द अर्थ कम बिटवीन द सन एंड मून एंड कॉजिंग द अर्थ शैडो टू द फॉल ऑन द मून. दिस कैन ओनली ऑकर्स ड्यूरिंग द मून. बोथ टाइप्स ऑफ द इक्लिप्स डिपेंड ऑन द अलाइनमेंट ऑफ द सन अर्थ मून एंड आर सिग्निफिकेंटली इवेंट इन बोथ एस्ट्रोनॉमी एंड कल्चर ट्रेडिशन. नेक्स्ट वन दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ द प्लैनेट्स वी कैन कॉल ऑल्सो दैट इज ग्रहास. सो इन इंडियन एस्ट्रोनॉमी ग्रहास आर सेलेसियल बॉडी दैट एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द ह्यूमन अफेयर्स. ट्रेडिशनली दे इंक्लूड द फाइव विजिबल प्लैनेट लाइक मर्क्यूरी विनस मार्स जुपिटर ऑल्सो सैटर्न द सन द मून एंड द टू शेडोवी पॉइंट राहु एंड ऑल्सो केतु विच रिप्रेजेंट द लूनर नोड्स. दीज ग्रहस आर द सेंट्रल टू द एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट एंड डिटर्मिनिंग द टाइमिंग ऑफ द इवेंट एंड शेपिंग इंडिविजुअल डेस्टिनीज बेस्ड ऑन देयर पोजिशन एंड मूवमेंट इन द स्काय. बट सी एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ पार्ट ऑफ द साइंस. इन दस होल टॉपिक वी विल ओनली डिस्कस द एस्ट्रोनॉमी इन इंडिया. सो अनादर वन दैट इज अ नक्षत्र. सो नक्षत्र देयर आर सेवन लूनर कॉन्स्टेलेशन्स इन द इंडियन एस्ट्रोलॉजी दैट डिवाइडेड इन द इक्लिप्टिक इन टू इक्वल सेगमेंट. ईच नक्षत्र रिप्रेजेंट द साइंटिफिक सेगमेंट ऑफ द स्काय थ्रू विच मून ट्रेवल अप्रोक्सिमेटली एवरी 27.3 डेज. दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन पर्सनैलिटी ट्रेट लाइफ इवेंट एंड टाइमिंग फॉर द एक्टिविटी. ईच नक्षत्र इज एसोसिएट विथ पर्टिकुलर क्वालिटीज लाइक दिज ऑल आर द नक्षत्र लाइक अश्विनी देन पुष्य चित्रा सो स्वाति मूला. सो दिज ऑल आर द नक्षत्र. दिज नक्षत्र आर यूज टू डिटरमाइन फेवरेबल टाइम फॉर इवेंट एंड प्रेडिक्ट द इंडिविजुअल कैरेक्टर. सो नाउ अनादर वन दैट इज अ पंचगंगा द हिंदू एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर. द पंचगंगा इज अ ट्रेडिशनल हिंदू एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर इज यूज टू डिटरमाइन द टाइम फॉर द रिचुअल एंड इवेंट. इज कॉम्प्राइज फाइव की इलेमेंट तिथि वार नक्षत्र योगा एंड कर्ण. सो नाउ तिथिस इज बेस्ड ऑन द लूनर डेज डिवाइडेड इंटू 30 फेजेस एंड वार द डे ऑफ द वीक एंड नक्षत्र इज नथिंग बट दैट इज अ लूनर कॉन्स्टेलेशंस एंड योग मीन्स एंड एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द सन एंड मून. सो नाउ दिस पंचगंगा इंटीग्रेट. सो नाउ दिस पंचगंगा इंटीग्रेट दिस इलेमेंट टू प्रोवाइड अ डिटेल्स डेली गाइड फॉर द रिलीजियस कल्चर एक्टिविटीज एंड रिफ्लेक्टिंग द लूनर एंड सोलर साइकिल. सो अनादर वन दैट इज आर्यभट्टा. सो आर्यभट्टा फर्स्ट वी डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्यभट्टा. सो हु इज आर्यभट्टा वट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन इन एस्ट्रोनॉमी ऑफ द आर्यभट्टा. सो आर्यभट्टा वॉज renowned Indian mathematician and astronomer. He made the significant contribution to mathematics, include the introduction of the concept of the zero and approximation of the pi. And astronomy and Aryabhatta work, notably the Aryabhatiya, details the Earth rotation and the cause of the eclipse. The calculation of planetary position greatly influencing both Indian as well as Islamic scientific tradition. So Aryabhatta has some key ideas. So now this Aryabhatta written by the Aryabhatta consists several key ideas. So we discuss this several key idea. First one that is Earth rotation, another one eclipse, mathematics and then astronomical calculation. So earth rotation, Aryabhatta described the earth rotation on its axis as the cause of the apparent motion of the celestial body. And also eclipse, he explained the solar and lunar eclipse occur due to the alignment of the sun, moon and earth. So mathematics, third one that is the mathematics. So introduce the concept of the zero and provide the method for solving algebraic equation and approximating pi. And last one that is astronomical calculation. It gives the detail, the calculation of planetary position, periods, and using the trigonometric function and sine table. So this idea were foundational in both astronomy and mathematics, influencing later
साइंटिफिक डेवलपमेंट. नाउ अनदर वन दैट इज अर्थ रोटेशन एंड आर्यभट्टा मॉडल्स ऑफ द सोलर सिस्टम. आर्यभट्टा प्रपोज दैट द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस कॉज द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडी एंड इन हिज मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम ही डिस्क्राइब द अर्थ एज अ रोटेटिंग स्फेयर एंड प्रोवाइड द एक्सप्लेनेशन फॉर द सेलेस्टियल फेनोमेना सच एज इक्लिप्स. ही सजेस्ट दैट द मून एंड प्लैनेट मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ द जियोसेंट्रिक मॉडल वेयर द अर्थ इज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. ही वर्क लेड इम्पॉर्टंट ग्राउंड वर्क फॉर द लेटर एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी. सो नाउ अनदर वन दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ द साइन एंड वी कैन कॉल दैट इज अनदर वी कैन कॉल दैट इज अ जया. सो इन दैट आर्यभट्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ द साइन विच वॉज क्रूसियल फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन. ही ऑल्सो यूज द जया टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल लेंथ ऑफ द कॉर्ड इन द सर्कल एंड लेइंग द फाउंडेशन फॉर द लेटर डेवलपमेंट इन द ट्रिग्नोमेट्री. आर्यभट्टा वर्क ऑन द जया इंक्लूड्स क्रिएटिंग टेबल्स टू अप्रोक्सीमेट दिस वैल्यूज विच वेयर इसेंशियल फॉर एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन एंड ऑल्सो प्रेडिक्शन. सो नाउ अनदर वन दैट इज अ साइडेरियल एंड सोलर डे. सो साइडे वॉट इज मीन बाय साइडेरियल रे फर्स्ट क्वेश्चन अराइज. सो दैट मीन्स अ साइडेरियल डे इज द टाइम दैट इट टेक फॉर द अर्थ टू कम्प्लीट वन फुल रोटेशन रिलेटिव टू द फिक्स स्टार एंड अप्रोक्सीमेटली 23 hours एंड 56 minutes. एंड अनादर वन दैट इज अ सोलर डे. सो सोलर डे इज द टाइम फॉर वन सोलर नून टू द नेक्स्ट एंड अबाउट 24 hours ड्यूरिंग विच सन रिटर्न टू द सेम पोजिशन इन द स्काय. दिस लॉन्गर ड्यूरेशन अकाउंट फॉर द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन एंड नीड टू रोटेट स्लाइटली मोर दैन वंस फॉर द सन टू रिटर्न टू द सेम स्पॉट. नाउ दीज आर द इन्फ्लुएंस ऑन द लेटर्स इंडियन एस्ट्रोनॉमी. सो नाउ अनादर वन दैट इज अ ब्रह्मगुप्ता. सो फर्स्ट वी डिस्कस दैट इज हु इज द ब्रह्मगुप्ता एंड वॉट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रह्मगुप्ता इन एस्ट्रोनॉमी. सो ब्रह्मगुप्ता वॉज प्रोमिनेंट इंडियन मैथमेटिशियन एंड ऑल्सो एस्ट्रोनॉमर. ही इज अ बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क एंड विच मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू अल्जेब्रिक ऑल्सो एरिथमेटिक एंड एस्ट्रोनॉमी. ब्रह्मगुप्ता इंट्रोड्यूस द रूल फॉर द डीलिंग विद द जीरो एंड निगेटिव नंबर एंड ऑल्सो डेवलप द मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड प्रोवाइड द अर्ली कंसेप्ट इन अल्जेब्रा. इन एस्ट्रोनॉमी ही बिल्ट ऑन आर्यभट्टा वर्क एंड रिफाइनिंग मॉडल ऑफ प्लैनेटरी मोशन एंड ऑल्सो इक्लिप्स. ही कंट्रीब्यूशन हैड द लास्ट इम्पैक्ट ऑन बोथ इंडियन एंड एज वेल एज अ इस्लामिक मैथमेटिशियन. सो नाउ अनादर वन दैट इज अ ही वर्क ऑन द एस्ट्रोनॉमी. सो नाउ वी डिस्कस दैट वर्क रिलेटेड टू द एस्ट्रोनॉमी. सो नाउ सी हिज वर्क इज नथिंग बट दैट इज अ ब्रह्मगुप्त सेमिनियल वर्क कवर दैट इज अ थ्री बेस मैथमेटिशियन मैथमेटिक्स अल्जेब्रा एंड एस्ट्रोनॉमी. सो मैथमेटिक्स इंक्लूड द इंट्रोड्यूस रूल फॉर द जीरो एंड निगेटिव नंबर एंड सोल्यूशन टू द लिनियर एज वेल एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ऑपरेशन विद द फ्रैक्शन. नाउ नेक्स्ट वन दैट इज अल्जेब्रा. सो इट प्रोवाइड द मेथड फॉर सॉल्विंग अल्जेब्रिक इक्वेशन एंड यूजिंग ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन. एंड लास्ट वन दैट इज एस्ट्रोनॉमी. इट एक्सपांड द आर्यभट्टा मॉडल एंड डिटेलिंग द प्लैनेटरी मोशन इक्लिप्स एंड ऑल्सो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग द कैलकुलेशन ऑफ टाइम एंड कैलेंडर सिस्टम. So now another one that is a concept of the zero and negative number. So Brahmagupta introduced the concept of the zero as a number and it is defined the arithmetic operation. He also developed the rule for the negative numbers and including their addition, subtraction, multiplication, laying the foundation for the modern algebra. So we discuss some rules. First rule that is a rule for the arithmetic involving zero. So this rule for the addition for the positive and addition to the negative numbers. So any number plus and also we discussed the subtracting
for the subtracting 0 from the negative number and also positive number. So that means in addition and subtraction, any number plus or minus 0 is the number of itself, and another one that is a multiplications and division. So in the multiplication, any number multiplied by 0 is always equal to the 0, and division is nothing but that is division by 0 is undefined, while 0 is divided by any non-zero number is always 0. So now another one that is a lunar and solar eclipse. So Brahmagupta explained that the lunar eclipse occur when the earth is between sun and the moon and casting a shadow on the moon. So solar eclipse happen when the moon is between earth and sun and blocking sunlight from the reaching the earth. He also provide the details explanation for this phenomena, and including there the periodicity and also factor affecting their visibility. So now another one that is his influence on the Arab mathematician. So Brahmagupta work and particularly on zero and also algebra significantly influence Arab mathematicians such as Ali Kindi, who incorporate and also expanded his ideas and also shaping the development of the algebra and is a Islamic golden age. So now another one that is the next topic that is a Varahamihira. So in Varahamihira, first one we discuss the introduction of the who is a Varahamihira. So he was an Indian astronomer and astrologer, renowned for his work and including the Brihat Samhita, which cover the astronomy and natural phenomena. So now also Panchasiddhantika is a completion of five major astronomical system, and his contribution helps integrated and advanced astronomical knowledge. So Panchasiddhanta is nothing but the completion of five astronomical canons. So Panchaganga Siddhant by the Varahamihira is a completion of five major astronomical canons. So we discussed that five canons, that one is a Surya, Romaka, and all of these. So now another one topic we discuss, that is introduction of the Surya Siddhanta. So introduction of Surya Siddhanta, we already discussed some point in previous topic. So in that, Surya Siddhanta is an ancient Indian astronomy text that outline principle of the astronomy and including the planetary motion, eclipse, and also solar year. So it serves as a foundational work for the Indian astronomical and mathematical knowledge. So first one, that is a time measurement. Yuga and Kalpas, Yugas are the first one, that is a Yugas or Yug. Yugas are the four age in the Hindu cosmology representing the cycle of the time, Satya, Treta, Dwapar, and Kali. Now, Kalpas are the vast cosmic cycle, each encompassing a series of the Yugas and marking the creation and dissolution of the universe. And so, another one that is a time measurement. That is a Yugas. Yugas are the four age in Hindu cosmology, Satya, Treta, Dwapar, and Kali. Kalpas are the vast cosmic epoch and each consisting of the series of the Yugas representing cycle of creation and dissolution. So now another one that is astronomy. We discussed that is a planet diameter, orbit, eclipse calculation. So astronomy includes the planetary diameter is nothing but the measuring the size of the planet. Also orbit is nothing but the calculating the path of the planet around the sun to determine their position. And last one that is a eclipse calculation. So eclipse calculation including the predicting the solar and lunar eclipse by the analyzing the alignment of the sun, moon, earth. And next one that is a mathematical invention. So these one are the mathematical
इन्वेंशन इन मैथमेटिकल इन्वेंशन वी डिस्कस इंक्लूड द डेवलपमेंट द कंसेप्ट लाइक द जीरो एंड निगेटिव नंबर ऑल्सो अलजेब्रिक इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड अल्गोरिथम्स. सो दिस एडवांसमेंट इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक कैलकुलेशन एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैथमेटिकल रिलेशनशिप. एंड नेक्स्ट वन दैट इज अ कैलेंडर सिस्टम. सो कैलेंडर सिस्टम आर मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डे एंड मंथ फॉर द सिविल सिविल रिलीजियस एंड एग्रीकल्चर पर्पज. ऑल्सो दे इंक्लूड द लूनर कैलेंडर सोलर कैलेंडर एंड लूनिसोलर कैलेंडर. सो लूनर कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द मून लाइक द इस्लामिक कैलेंडर. सोलर कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन. एंड लास्ट वन दैट इज अ लूनिसोलर कैलेंडर. सो कंबाइन ऑफ द लूनर एंड सोलर साइकिल दैट कैलेंडर इज लाइक्स अवर हिंदू कैलेंडर. सो थैंक यू.